नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल कुंजपुरा के मेडिकल लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों मेडिकल लिस्ट आ चुकी है और आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है। सो आपको मैं बता दूं कि जो 16 अप्रैल से लेकर के 6 मई को आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ सैनिक स्कूल कुंजपुरा की। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल है, हर सैनिक स्कूल की मेडिकल लिस्ट आ चुकी है और आपका 16 अप्रैल से 19 अप्रैल से बहुत सारे ऐसे जो आपके सैनिक स्कूल कुंजपुरा के मेडिकल्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में आपको ध्यान देना है, वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में पूरी जानकारी बताऊंगा और रोल नंबर वाइज बताऊंगा कि किस किस बच्चे का कब कब से आपका प्रॉपर मेडिकल स्टार्ट हो रहा है। वीडियो में क्या क्या आपको, जब आपका मेडिकल होगा तो क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, ठीक है, किस किस रोल नंबर को किस किस दिन बुलाया जा रहा है। ऐसे ही जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग सैनिक स्कूल है, स्टेट वाइज सैनिक स्कूल है, हर सैनिक स्कूल का जो मेडिकल है वो आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो रहा है। और अगर अभी तक आपने मेडिकल लिस्ट को चेक नहीं किया है तो जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया था उस स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन जाकर के चेक कीजिए कि आपके बच्चे का मेडिकल कब होने वाला है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात आपके बच्चे का मेडिकल होगा कहां पे, ठीक है। तो हम लोग बात करें सैनिक स्कूल कुंजपुरा की। आपको ऐसे ही अलग अलग स्टेट का आइडिया लगा लेना है। और आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं तो वहां पे 1:3 में बच्चों को बुलाया जा रहा है, यानी सीटें 100 हैं तो कम से कम 300 बच्चों को बुलाया जाएगा उस स्कूल के सैनिक स्कूल की सीट्स को फुल करने के लिए। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 15 अप्रैल से लेकर के 6 मई 2021 के बाद बुलाया जाएगा। इसके बीच में अलग अलग डेट्स दी गई हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि डेट वाइज किन किन बच्चों को कब कब आना है और कब कब अपना मेडिकल देना है। मेडिकल के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवा लीजिए। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए उनको कॉल लेटर के साथ साथ ईमेल भी जाएगा। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पे आपको कॉल लेटर भी आएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और इसके अलावा आपको ईमेल भी आएगा। अगर मान लीजिए आपको ईमेल नहीं आता है 14 तारीख तक अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली अपने स्कूल की, जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए। जैसे कुंजपुरा का अलग है, नगरोटा का अलग है, चित्तौड़गढ़ का अलग है, ठीक है, रीवा का अलग है, उनको आप कॉल करो, उनको मेल करो और आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि अगर किसी भी बच्चे को मेडिकल लिस्ट में नाम आया है 13 अप्रैल तक, उस बच्चे को मान लो कॉल लेटर नहीं आता है या ईमेल पे इस तरह की जानकारी नहीं मिलती, तो आपको घबराना नहीं है, फटाफट आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा में कॉल करना है 01-8423-8551 या आपको कॉल करना है 9306-05-7684 पर आपको कॉल करना है या आपको डायरेक्टली सैनिक स्कूल कुंजपुरा पे मेल करना है। तो जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा की ऑफिशियल वेबसाइट है sskunjpura.org पर आपको डायरेक्ट जानकारी लेनी है। मान लीजिए आपको कोई पोस्ट ऑफिस से आपको नहीं आया, पोस्टल कोई डिले हो गया या आपको मेल नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह का पोस्टल डिले होता है तो उसमें स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। सही है, कई बार हो जाता है, 10 में से 1 केस, 100 में से 2-4 केस ऐसे निकल जाते हैं, कई बार RIMC का प्रोस्पेक्टस हो गया या कॉल लेटर नहीं मिल पाता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है जी। ये चीजें बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब अभी जैसे एडमिशन फॉर्म निकला हुआ है, एडमिशन चल रही है, तो इस समय कॉल्स ज्यादा आती हैं, ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो आप ये देखिए कि सिक्स क्लास में हम लोग बात करें, सिक्स क्लास में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे SC कैटेगरी में आपको देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 बच्चों को SC कैटेगरी में बुलाया गया है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें OBC कैटेगरी में, तो OBC कैटेगरी के भी जो बच्चे आ रहे हैं उनका आपके सामने प्रॉपर लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। और ये करीब करीब देखिए SC कैटेगरी की लिस्ट अलग है, OBC कैटेगरी की लिस्ट अलग है, इसके साथ डिफेंस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस कैटेगरी में भी 7321 बच्चों को बुलाया गया है। ऐसे अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की लिस्ट देखें तो जनरल कैटेगरी में आपके सामने एक एक बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका रोल नंबर आपके सामने आ रहा है।
लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। सही बात है, सबसे ज्यादा मजा आता है तब ये बात सुन करके कि भैया तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तब आपको वो काम करने में ज्यादा मजा आएगा, वो आपको ज्यादा एनर्जी देगा और वो काम में आपका जो पैशन है वो और बढ़ेगा। तो इस हमेशा चैलेंजिंग वर्क्स को ढूंढो, ऐसा काम ढूंढो जिसमें चैलेंज हो, जिसमें थ्रिल हो, मजा आएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपकी जनरल कैटेगरी आ चुकी है, जिन बच्चों को जनरल कैटेगरी का इनवाइट किया गया है। अगर हम लोग बात करें एससी कैटेगरी की, ठीक है, अभी पहले वो होम स्टेट चल रहा था, अभी आपका अदर स्टेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट से कितने बच्चों को बुलाया गया है, ये आपके 3, 3, 6, 7, 8, 9 सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के अदर स्टेट से 9 बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। 9 बच्चों को बुलाने का मतलब क्या है, अदर स्टेट की सीट कितनी यहाँ पे 3 है, तो इस तरीके से बुलाया जाता है। अगर हम लोग बात करें एसटी कैटेगरी के अदर स्टेट की, तो यहाँ पे 3 बच्चों को बुलाया गया, यानी सीट कितनी है, 1 ही है। मैंने आपको बोला है 1:3 में बुलाते हैं। अगर हम लोग बात करें ओबीसी कैटेगरी की अदर स्टेट के लिए, इसके बाद में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, और ऐसे ही आपको अदर जो सैनिक स्कूल है उसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उनकी भी मेडिकल लिस्ट आ चुकी है, चाहे वो सुजानपुर टीरा है, नगरोटा है, ठीक है, आपका रेवाड़ी है, चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू है, सबके लिस्ट आ चुकी है। जिनकी नहीं आई है आपको घबराना नहीं है, कॉल करो, पता करो हमारे हेल्पलाइन नंबर में। आगे चलते हैं डिफेंस कैटेगरी के अदर स्टेट में, देखिए आपको सिर्फ 7, 8, 9 बच्चों को बुलाया गया है डिफेंस में अदर स्टेट कैटेगरी के लिए। देखिए तो अदर स्टेट की कैटेगरीज में जो बहुत ही कम सीट्स होती हैं, 9 बच्चों को बुलाया गया, यानी अदर स्टेट से डिफेंस के सिर्फ 3 बच्चों को लेंगे, तभी यहाँ पे 9 बच्चों को बुलाया गया है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी अदर स्टेट की, समझ में आई, तो मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि 67% जो सीट्स हैं वो सेम स्टेट के बच्चों को मिलेंगी, 33% जो सीट्स हैं वो अदर स्टेट के बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की लिस्ट आ चुकी है जिसमें सिर्फ 3 बच्चों को बुलाया गया है, और इसमें हम लोग बात करें गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स में आपको पता है कि हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें फिक्स कर दिया गया है, चाहे वो कोई भी सैनिक स्कूल हो, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें कुंजपुरा की, हरियाणा की, तो यहाँ पे 10 लड़कियां हैं, और एससी कैटेगरी में अगर हम होम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 3 लड़कियों को बुलाया गया है, 3 में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट किया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर होम स्टेट की बात करें, तो फिर यहाँ पे भी 3 लड़कियों को बुलाया गया है जिसमें से सिर्फ 1 लड़की को सिलेक्ट किया जाएगा। डिफेंस कैटेगरी की बात करें, अगर सेम स्टेट की, तो 3 लड़कियों को बुलाया गया है। जनरल कैटेगरी की बात करें होम स्टेट की, तो यहाँ पे टोटल 6 लड़कियों को बुलाया गया है। अगर हम एससी कैटेगरी अदर स्टेट की बात करें, तो 3 लड़कियों को बुलाया गया है, ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस है। और जो बच्चे अंबाला नहीं आ पाते हैं, या जो बच्चे अपने स्कूल से टीसी नहीं करवा पाते हैं, जिनके माँ बाप ज़्यादा रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के बारे में कॉल करके पता कर सकते हैं। हर रोज़ शाम को 3 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस चलता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं, जिसमें आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको 15 बुक्स का सेट मिलता है, इसके अलावा आपको एंड्रॉयड ऐप मिलता है, 3000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एज के अकॉर्डिंगली जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनके एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरे जाते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिस्ट को चेक करते हैं। एससी कैटेगरी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, अदर स्टेट से 3 बच्चों को बुलाया जा रहा है, ओबीसी अदर स्टेट से 3 बच्चों को बुलाया जा रहा है, और डिफेंस कैटेगरी में अदर स्टेट से 3 बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। और अगर जनरल की बात करें, अदर स्टेट से 3 बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। जो हरियाणा से है वो देख सकते हैं, और जो अदर स्टेट्स हैं वो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ऐसे अगर हम 9th क्लास की बात करें, ठीक है, तो 9th क्लास में क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, आपको ये समझना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 9th क्लास में 22 सीटें हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करवाना पड़ेगा। अगर हम 9th क्लास की बात करें, ये इनिशियल कॉल लेटर है, मेडिकल लिस्ट के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो जो आपका एससी कैटेगरी से बच्चे हैं, जो होम स्टेट्स हैं यानी सेम स्टेट्स हैं, उसमें करीब करीब 6 बच्चों को बुलाया जा रहा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे करीब करीब 7, 8, 9, 10, 11, 12 ओबीसी कैटेगरी से होम स्टेट से 12 बच्चों को बुलाया जा रहा है। डिफेंस कैटेगरी की बात करें, अगर होम स्टेट से, तो करीब करीब 6 बच्चों को बुलाया जा रहा है। और अगर हम जनरल कैटेगरी की होम स्टेट से बात करें, तो आपका 7, 3, 21 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर अदर स्टेट से बात करें 9th क्लास के लिए, तो सिर्फ 3 बच्चों को, और एसटी कैटेगरी के लिए अगर अदर स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 बच्चों को बुलाया जा रहा है।
ओबीसी कैटेगरी में आपके टोटल 6 बच्चे आ रहे हैं जो कि अदर स्टेट से, और डिफेंस कैटेगरी से भी अदर स्टेट से सिर्फ 3 बच्चों को बुलाया जा रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर वो रोल नंबर है जिनको 16 अप्रैल को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो 16 अप्रैल को 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। रोल नंबर एंड में मैं बता दूं आपको 570 से स्टार्ट है और 133 में, और एंड में आपका आता है 590 और 057 से। तो यहां पे सिर्फ 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। ऐसे ही 17 अप्रैल को 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो आप अपनी लिस्ट को चेक कर लो कि आपको कितनी तारीख को वहां पे इनवाइट किया जा रहा है। 19 अप्रैल को बुलाया जा रहा है 20 बच्चों को, 20 अप्रैल को बुलाया जा रहा है 20 बच्चों को, और उसके बाद 22 तारीख को, यानी देखिए 21 तारीख को किसी भी बच्चे को मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, अगर आप ये 3 चीज़ें मुझे मैसेज करते हैं तो मैं और मेरी टीम मिल करके आपकी मदद कर पाएंगे। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को करीब करीब 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। ऐसे ही 23 अप्रैल को 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 24 अप्रैल को 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 26 अप्रैल को 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 27 अप्रैल को 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 28 अप्रैल को 6th क्लास के 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 29 अप्रैल को सिर्फ गर्ल्स को बुलाया जा रहा है। 6th क्लास की जो गर्ल्स हैं, 15 गर्ल्स को 29 अप्रैल को बुलाया जा रहा है। तो यानी 16 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक 6th क्लास के बॉयज को बुलाया जा रहा है, 29 अप्रैल को गर्ल्स को बुलाया जा रहा है 6th क्लास की। और आगे चलते हैं, 30 अप्रैल को 6th क्लास की 15 लड़कियों को बुलाया जा रहा है मेडिकल के लिए। 1 मई को 19 लड़कों को बुलाया जा रहा है 6th क्लास के बच्चों को, और 3 मई को 9th क्लास के 20 बच्चों को, 4 मई को 9th क्लास के 20 बच्चों को, 5 मई को 9th क्लास के 20 बच्चों को, और 6 मई को सिर्फ 9th क्लास के 6 बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो टोटल 315 बच्चों को इनवाइट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 315 में से आप मोटा मोटा मान के चलो, बार बार कह रहा हूं, 1:3 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मेडिकल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, मेडिकल को लेकर के हमारे पेरेंट्स काफी परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे राजपाल जी का नंबर दिया गया है 8901508327। ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, राजपाल जी आपकी मदद करेंगे। सैनिक स्कूल कुंजपुरा से इनको अपॉइंट किया गया है पेरेंट्स की खासकर मदद करने के लिए, कि मेडिकल के समय क्या क्या तैयारी करके आनी है। मेडिकल से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल आता है, अपने बच्चे का बाहर भी एक बार प्राइवेट में जरूर मेडिकल करवा लीजिए, ताकि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक किया जाता है उसके बारे में आपके बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, और आपका बच्चा ऐसे अनजान बन के वहाँ ना जाए, है ना। 1000-2000 रुपये की बात है, लेकिन आपका बच्चा तैयार हो जाएगा। और आपको विजिट करते रहना है sskunjpura.org, ठीक है। जैसे आपका मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 6 मई के बाद, आप जाकर के सैनिक स्कूल kunjpura.org पर जाकर के चेक कर सकते हैं किन किन बच्चों को मेडिकल में सेलेक्ट किया गया है, और फाइनल मेरिट लिस्ट में किन किन बच्चों को इनवाइट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मेडिकल कहाँ पे होगा, तो आपका मिलिट्री हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में सुबह 7:30 आपको रिपोर्ट करना है, पहुँचना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के। डेट आपको बता दिया है, सभी बच्चों को अलग अलग डेट्स दिया गया है। लड़कों को डेट अलग दी गई, लड़कियों को अलग दिया गया है, 6th क्लास के बच्चों को अलग दिया है, 9th क्लास के बच्चों को अलग दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल बच्चे का आईडी प्रूफ, बच्चे के पास कोई भी आईडी प्रूफ हो, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, या बच्चे के पास आपका डोमिसाइल हो गया, कोई भी आपका बच्चे का ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड आपको जरूर लेकर के जाना है, जो आप सैनिक स्कूल का पेपर देते हुए लेकर के गए थे, और एडमिट कार्ड को संभाल के रखो, और उसका कम से कम 5-10 फोटोकॉपी करवा लो, क्योंकि बार बार आपको मेडिकल एडमिट कार्ड आपसे मांगा जाता है। कॉपी ऑफ द मार्क लिस्ट, ठीक है, मार्क लिस्ट की कॉपी आपको लेकर के जानी है, आपको कॉल करना है, जानकारी लेनी है अगर आपके मन में कहीं पे भी डाउट आता है। उसके अलावा ओरिजिनल कॉल लेटर सेंड बाय द स्कूल कंडक्ट ऑफ मेडिकल, यानी जो आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा ने कॉल लेटर भेजा है, वो कॉल लेटर आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, आपको जाना है मिलिट्री हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में सुबह 7:30, ठीक है, ताकि आपको पता लगे आपको कोई दिक्कत ना आए। 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट, ठीक है जी। और जब भी आप बच्चे को मेडिकल करवाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो अपने बच्चे का जो कान है उसको साफ करवा करके लेके जाइए, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। और इसके अलावा जब भी आप मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं,
आपको अपने रहने का अरेंजमेंट खुद करना है, अपने रहने खाने पीने का अरेंजमेंट खुद करना है। मेडिकल के दौरान किसी भी बच्चे को या पेरेंट्स को TA नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पेरेंट्स इस तरह के सवाल करते हैं, बच्चे का कान साफ करवा के लेके जाना है और आपको किसी भी तरह का TA DA नहीं मिलेगा, आपको अपना अरेंजमेंट खुद करना है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए 1:3 में बच्चों को लेकर के जाया जा रहा है, तो इसमें से काफ़ी सारे आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि अगर 100 बच्चों को सेलेक्ट करना है तो 300 बच्चों को बुलाया जा रहा है, अगर 110 बच्चों को सेलेक्ट करना है तो 330 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उस हिसाब से बाकी बच्चों को किसी न किसी बहाने, डॉक्यूमेंट्स के बहाने, मेडिकल के बहाने, मिसबिहेवियर के बहाने, किसी न किसी तरीके से बच्चों को छांटा जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, सही है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का मेडिकल में सब कुछ ठीक हो तो ही आपके बच्चे को लिया जाए, आपको बार बार समझना है, आपको अपनी तरफ से कोई भी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी, तो जो मम्मी पापा परेशान होते हैं ना तकलीफों को लेकर के, आज तकलीफ हो रही हो तो कल आपको कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। आज दुनिया आपको ताने मार रही है, कहाँ जा रहे हो, कौन सी तैयारी करवा रहे हो, अभी तो बहुत छोटा है, हैं दादा नहीं मान रहे हैं, मासी नहीं मान रही है, बुआ नहीं मान रही है, आज जो लोग आपको ताने मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझिए, कल का दिन आपका होगा। आज आपको दिक्कतें आएंगी, कल आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन परसों का दिन आपका होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सही समय का इंतजार करना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। कश्मीर, कश्मीर राव जी का मैसेज, सर मेरे स्कूल वाले मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या मैं ज्वाइन करूं? कश्मीर राव जी, ये तो आपको देखना है कि आपको कैसे ट्रेनिंग करवाई जा रही है, किस तरह का। देखो आपको ना घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जब तक आपको वो माहौल नहीं मिलेगा ना, आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको माहौल मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा, आपको वो डिफेंस वाला माहौल मिलेगा, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मोनिका जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बेटे का आज एडमिशन करवा दिया है, लेकिन आपके स्कूल में कैंटीन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जो कैंटीन चार्जेस हैं वो आपके बच्चे यूज़ करते हैं, बच्चों को स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो पॉकेट मनी लिया जाता है वो चार्जेस, ये सारे जो चार्जेस हैं आपका बच्चा कंज्यूम करता है, और ये सब चीज़ें आपको सैनिक स्कूल में भी देना पड़ता है, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी देना पड़ता है, आप गुरुकुल में आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको देना पड़ता है। तो ये जो छोटा मोटा अमाउंट है ये आपका बच्चा कंज्यूम करता है, ठीक है जी। तो मोनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने बेटे का एडमिशन करवा दिया है, थैंक यू सो मच। लेकिन आपका मैसेज मुझे मिला है, तो ये फीडबैक के ऊपर हम जरूर काम करेंगे, ठीक है, फीडबैक के ऊपर हम जरूर काम करेंगे मोनिका जी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके बच्चे के ऊपर कंज्यूम होती हैं, आपका बच्चा यूज़ करता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 12 महीने रहते हैं, बच्चे को बढ़िया बढ़िया शाम को खाने पीने के लिए चाहिए होता है, और बच्चे को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर कल मैं विजिट पर आ रहा हूँ, क्या आपसे मीटिंग हो पाएगी? तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हर रोज पेरेंट्स आते हैं, स्कूल में एडमिशन्स चलती हैं, बट हर रोज पेरेंट्स से मिल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, ताकि मैं डायरेक्टली लाइव आऊं, हर पेरेंट्स की बात सुन पाऊं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं, ठीक है जी। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट, पूजा जी का एंटी रैगिंग स्टैम्प फॉर्म नहीं बन पा रहा है। पूजा जी, जब आप वहाँ पे जाते हैं ना तहसील में, तो वो खुद ही बता देते हैं, फॉर्मेट होता है सिर्फ, उसमें आपका नाम, बच्चे का नाम वगैरह डालना होता है, बाकी फॉर्मेट तो बना बनाया होता है। फिर भी कोई बात नहीं, आप आ जाइए और स्टैम्प लेकर के आइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इनका बच्चा जो है पूजा जी का, वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है स्कॉलरशिप में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मैम, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और आप स्कूल में स्टैम्प लेकर के आइए, जो हमारे स्कूल की फैकल्टी है वो आपकी मदद करेगी, वो साइन करवा करके आपसे स्टैम्प ले लेंगे और उसके ऊपर फॉर्मेट चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल चंदतपुर के मेडिकल
कॉल लेटर कब तक आएंगे? देखिए 15 अप्रैल के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं उसके कॉल लेटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो सिक्स क्लास का बच्चा है, नाइन्थ क्लास का बच्चा है, चाहे वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपको मेडिकल कॉल लेटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, भाग्य बड़ा ही प्यारा नाम है, भाग्यधर, भाग्यधर जी का मैसेज आ चुका है। सर मेरा टिकट 14 अप्रैल 2021 का है लेकिन 10 अप्रैल 2021 से रायपुर से ऑल ट्रेन बंद हो रही है, मैं क्या करूं? देखिए समस्या का समाधान तो आपको ही निकालना पड़ेगा, सही है। और ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर रोज पूरा ऑल ओवर इंडिया से 70 से 80 पेरेंट्स डेली आते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हम स्कूल चला रहे हैं क्या हमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्या हमें दिक्कतें नहीं आती, क्या जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल्स में आ चुके हैं क्या उनको दिक्कत नहीं आती? फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चे हॉस्टल में रह करके तैयारी करते हैं, क्या उन बच्चों को दिक्कत नहीं आती? लेकिन उस समस्या का समाधान आपको निकालना पड़ेगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, लक्ष्मी गुप्ता जी का दोबारा से आज मैसेज आ गया है। सर मेरे बच्चे से बात नहीं कर सकते हैं बट वीडियो तो देख ही सकते हैं, प्लीज़ मेक द वीडियो ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। मैडम डेली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बच्चे अब स्कूल में आ गए हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करते रहो। कई बार क्या होता है पेरेंट्स का कॉल आता है, मेरे बच्चे की फ़ोटो भेज दो, मेरे बच्चे की वीडियो भेज दो। आप मुझे समझ नहीं आता कि स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो वार्डन्स हैं, वो आपके बच्चों की ट्रेनिंग करें, आपके बच्चे के स्पोर्ट्स के ऊपर काम करें, उनकी पढ़ाई लिखाई पे काम करें, कि एक एक बच्चे की वीडियो बना करके भेजें। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है लक्ष्मी जी, और बहुत जल्दी 15 दिन के बाद आपको आपके बच्चे से बातचीत करवाई जाएगी। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी मेरी प्रॉब्लम को समझिए, है ना। हजारों पेरेंट्स कॉल करके कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल करते हैं, मेरे बच्चे का वीडियो भेज दो, मेरे बच्चे से बात करा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आप समझो बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल 15 दिन बच्चे से दूर रहिए, बच्चे से बात मत कीजिए, जो सिस्टम बताया गया है उसको फॉलो कीजिए ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को छोड़ा है। ठीक है लक्ष्मी जी, कल से सिर्फ आप ही का मैसेज आ रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज़ अपने आप को संभालिए। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी बच्चे आए हैं, उनका धीरे धीरे सिस्टम बनाया जा रहा है आप लोगों के। ठीक है, और एक बार जब हम वीडियो बना करके भेजते हैं फिर बार बार पेरेंट्स इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं, फिर एक चीज़ छोड़ करके फिर दूसरा मांगते हैं, फिर दूसरा मांगते हैं, फिर तीसरा मांगते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, प्रिंस विशाल का मैसेज आ रहा है। सर मैं आपके स्कूल में आना चाहता हूँ बट मेरे फादर को खाने में डाउट है। फादर को ले आओ और आराम से एक दिन लंच कराओ, दो दिन लंच कराओ, तीन दिन लंच कराओ। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप स्कूल में आते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों से मिलवाया जाता है, सारी स्मार्ट क्लासेज हैं। ठीक है, इनडोर ऑडिटोरियम बनाया गया बच्चों के लिए, आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, बाकी देखिए डाउट का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 2014 है। 7 नवंबर 2014 वाला जो बच्चा है अभी छोटा है, तो आपका बच्चा अभी थर्ड क्लास में तैयारी करवाओ, फोर्थ क्लास में तैयारी करवाओ, फिफ्थ क्लास में, आपके बच्चे के पास अभी टाइम है। और जितना छोटी ऐसे आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिया का मैसेज आ चुका है, रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको लाइव देखकर बहुत खुशी होती है और समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा भी खुश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बच्चे बहुत खुश होते हैं, सिर्फ मम्मियाँ परेशान होती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और वैसे भी 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से आते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, शुरू के 4 दिन 5 दिन सेट होने में लगते हैं, बाकी 100 में से 90 बच्चे जो होते हैं वो बहुत मस्त होते हैं। लड़के लड़कियां खूब इन्जॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शाम को स्पोर्ट्स होता है उनका, दिन में पढ़ाई लिखाई चलती है। ठीक है, सिंह साहब का मैसेज, सर आपके स्कूल की एनुअल फीस क्या है हॉस्टल के साथ?
सेवेंथ क्लास के लिए आप कॉल करके जानकारी लो, 7419992928 पर कॉल करें, ताकि मैं आपको डिटेल में जानकारी दे पाऊँ। नहीं तो बाद में पेरेंट्स कहते हैं हमें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। तो आप ऐसा करो, कॉल करके प्रॉपर डिटेल में जानकारी ले लो, ठीक है। आपका कैंटीन अमाउंट क्या है, आपका पॉकेट मनी क्या है, ठीक है, और आपका स्कूल का फीस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में बताई जाती हैं, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और हमें भी दिक्कत ना आए। विशाल का मैसेज है, अंबाला बिहार से बहुत दूर है, नहीं आ सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कर्नाटक से बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, विशाखापट्टनम से हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं, तो बिहार तो कुछ भी नहीं है। पहले आप ये समझो, आपके केरल से बच्चे हैं, तमिलनाडु से बच्चे हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से बच्चे हैं, तो आप ये मान के चलो कि बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं और बहुत दूर दूर से बच्चे हैं। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और घर पे बैठ करके वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं बार बार समझाता हूँ, कई पेरेंट्स कहते हैं हम आपकी वीडियो 3 साल से देख रहे हैं। भैया 3 साल तैयारी करवानी है, 3 साल वीडियो नहीं देखना है। पहले आप इस चीज़ को समझो, आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको बच्चे को तैयारी करवानी है। अगर आप 3 साल तक वीडियो ही देखते रहोगे तो फिर काम कैसे होगा, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, सर मेरा मैथ्स में 12th क्वेश्चन तक ठीक था, बट रॉन्ग चेक हुआ है, क्वेश्चन चैलेंज नहीं कर पाए हैं, मेरे मार्क्स 204 हैं, लिस्ट 205 पर लगी है सैनी स्कूल कुंजपुरा में, प्लीज़ सजेस्ट करें मैं क्या करूं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब आपको समझना पड़ेगा कि एक नंबर से जब कोई बच्चा रह जाता है, ठीक है, तो उसके माँ बाप की क्या हालत होती है, उस बच्चे की क्या हालत होती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। और अब आप दोबारा से अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर दें। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कि मेरे 204 नंबर बन रहे हैं, लिस्ट 205 की आई है, ठीक है, और मेरा 12th तक क्वेश्चन सही था गलत था, इन बातों का रिजल्ट हो जाने के बाद अब मैच खत्म हो चुका है, ठीक है जी। और अब सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको समझना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आपको तैयारी करवाना पड़ेगा। अभी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का फॉर्म नहीं निकला है, लगातार 1 साल 2 साल 3 साल पॉजिटिवली तैयारी करवाओ। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। 7 मार्च 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 7 मार्च 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए लगातार, ध्यान से समझिए, 9th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए एग्जाम दे सकता है, ठीक है जी। 7 मार्च 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 2022 में आपका बच्चा अप्लाई करेगा। आगे चलते हैं, बच्चों की वीडियोस वगैरह जो है वो फेसबुक पर डाला जाता है, यूट्यूब पर डाला जाता है, ठीक है, तो अपने बच्चे की वीडियोस का इंतजार करें। एक एक बच्चे की वीडियो बना करके भेजना पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तैयारी करवाते रहिए। कश्मीर राव जी का मैसेज है, मैं अब 7th क्लास में हूँ और अब की बार मैं 7th क्लास के लिए जंप कर रहा हूँ, तो क्या ये ठीक है? देखिए आप जंप करवा सकते हैं, बट एज के अकॉर्डिंगली देखो आपका कौन कौन सा स्कूल बन रहा है, कौन कौन सी क्लासेस बन रही है, उसमें आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है जी। दर्पण शर्मा जी का मैसेज है, 3 दिसंबर तीन नवंबर 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 3 नवंबर 2011 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए 2022 में सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम दे सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दर्पण शर्मा जी आपका बच्चा पेपर दे सकता है, सही है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिवली तैयारी करवाना है 6th क्लास के लिए। एक बच्चे का मैसेज आया है, सेल्फ स्टडी के लिए कुछ बता दो सर। देखिए सेल्फ स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब बातें नहीं चलती हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल काफ़ी हाई होता है, आपको कॉम्पिटिटिव मटीरियल चाहिए होता है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करवाना पड़ता है।
मोनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, आपका मैसेज मुझे मिल गया, आपका फीडबैक मिल गया है, ठीक है। बट बच्चों को खुश रखना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और कल को जब आप सैनिक स्कूल में जाएंगे, आप गुरुकुल में जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये एक स्मॉल छोटा सा अमाउंट ये लिया जाता है, और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे ये अमाउंट और ज़्यादा है, ठीक है। जब कल को आपका बच्चा NDA में जाएगा, 11th और 12th क्लास में जब आप NDA में जाएगा, तो NDA में पॉकेट मनी 2500 रुपये लिया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप लोग पहली बार बच्चा बाहर निकल रहा है, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कई बार जो पेरेंट्स नए होते हैं उनको थोड़ा अटपटा लगे, उनको हमारी बात ना पसंद आए, ठीक है। तो जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो उसी के हिसाब से बनाए गए हैं, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। विशाल जी बिल्कुल, हमारा जो स्कूल है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पिछले 9 महीने से खुला हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बार बार पेरेंट्स को यही समझाता हूँ कि थोड़ा टीवी देखना बंद कर दो, ठीक है, फालतू चीज़ें देखना बंद कर दो, ताकि आपका दिमाग जो है वो नेगेटिव चीज़ों से हट करके पॉजिटिव चीज़ों पर आप फोकस करें। तो विशाल, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बिहार से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और आप जितना डिले कर रहे हो, बस आप ये मान के चलो कि आपकी सक्सेस आपसे उतना ही दूर जाती जा रही है, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, वो आगे चल के क्रिकेटर बन सकता है, लेकिन अगर उसको सही समय पर ट्रेनिंग नहीं करवाई गई तो उसके टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके माँ बाप उसको तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, और धीरे धीरे वो टैलेंट खत्म होता जाएगा, ठीक है। विराट कोहली है, वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो लगातार प्रैक्टिस नहीं करता रहता तो शायद आज आप उसको नहीं जानते, और शायद आज वो इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं होता। तो आज वो इतना बड़ा क्रिकेटर इसीलिए बन पाया है क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करता गया, ना कि वो घर पे बैठ करके सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। परवेश जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई एक बहुत जबरदस्त बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है, तैयारी करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सिलेक्शन मिले, तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास में लड़के और लड़कियां वहां पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। रोहित जी का मैसेज आ चुका है, 10 जुलाई 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 10 जुलाई 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है 2022 में। तो आपके पास पूरा 1 साल का समय है रोहित, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, आपका आपके अंदर जो टैलेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार आपको उसको निखारना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। मैं बार बार पेरेंट्स को एक लाइन बोलता हूँ, कभी कभी ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी दाव पे लगाना पड़ता है। तो जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाएंगे, जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगा पाएंगे, वो भी कुछ बड़ा, जितना बड़ा आप सोच रहे हैं, ध्यान से समझिए, उतना बड़ा आपको कुछ ना कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। जितना बड़ा आप सोच रहे हैं, उतना बड़ा कुछ ना कुछ आपको दाव पे लगाना पड़ेगा। ज्योति जी का मैसेज आ चुका है, सर न्यू बच्चों के पेरेंट्स के लिए इस मंथ PTM रख लो सैटरडे को। बिल्कुल, आपको PTM की डेट्स आपको मिल जाएंगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए। क्लास वाइज अलग अलग बच्चों को मई से इनवाइट किया जाएगा, ताकि दिक्कत ना आए। अभी बच्चे, अभी फर्स्ट मंथ है, अप्रैल पहला महीना है, तो बच्चों को भी धीरे धीरे आने दो, सेट होने दो, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और बच्चों को भी दिक्कत ना आए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को इमोशनल हो गए, मम्मी इमोशनल होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, 16 अप्रैल 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 16 अप्रैल 2009 वाला बच्चा जो है ना, तो वो 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी उस बच्चे के पास, 16 अप्रैल 2009 वाले बच्चे के पास RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, और 5 जून को सैटरडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ज्योति जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। कश्मीर नकुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 अप्रैल 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ,
1 अप्रैल 2010 वाला जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है 2022 के लिए, ठीक है जी। तो प्रॉपर एक साल का आपके पास समय है, आराम से आंख बंद करके तैयारी करवाइए। और नकुल जो है वो सेंट्रल हिंदू स्कूल के फॉर्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, 10 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। नकुल तो आप काफी लेट हो गए, 1 अप्रैल 2010 वाला बच्चा सिक्स्थ क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकता है, लेकिन 10 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जो लोग लेट हो गए हैं जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। बुलकेश कुमार जी का मैसेज है, 19 सितंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 19 सितंबर 2009 वाला जो बच्चा है वो सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास के लिए 2022 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं दे सकता है। 19 सितंबर 2009 वाला जो बच्चा है वो दिसंबर वाला RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो अभी आपको 8th क्लास के लिए चांस मिलेगा 2021 में, फिर 2022 में अभी आपको चांस मिलेगा दिसंबर में, अभी इस साल 2021 दिसंबर में आपको मौका मिलेगा RIMC देहरादून का एग्जाम देने के लिए, ठीक है जी। सभी स्टेट्स की जो मेडिकल लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है, जा करके उसको लगातार चेक कीजिए, जिनकी नहीं आई है तो भी आप चेक करते रहिए ताकि आपको प्रॉपर अपडेटेड रहें, आपको जानकारियां मिलती रहें, ठीक है। और जिन पेरेंट्स को स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में नहीं पता है वो पेरेंट्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं। हो सकता है आपके लड़के या लड़की को स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉल करके पता करना है। संतोष कुमार जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी नहीं निकला है, फॉर्म निकलेगा मैं आपको वादा करता हूँ सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पे आपको अपडेट किया जाएगा। तो जो भी लोग, जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे बड़े बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने अंदर एक डिजायर जनरेट करना पड़ेगा, एक बीज आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप बीज लगाएंगे, जैसे ही आप सपना देखेंगे, आपके मन में एक डिज़ायर आएगा, आपके आगे बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग घर पे बैठे रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, आपके मन में डिज़ायर मान लो नहीं आ पा रहा है। कई लोगों को मैं देखता हूँ सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम। और कई लोग ऐसे हैं जो 100 अच्छाई में भी एक बुराई ढूंढ लेते हैं। तो मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब्दुल जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का जो है नहीं क्लास है उस पर प्राइस कितना है, मैसेज नहीं समझ में अब्दुल जी का। और मैं बार बार पेरेंट्स को एक बात, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है जी, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो जिस वक्त में आप सोच रहे हैं उसी वक्त में हजारों लोग अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, जिस वक्त में आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त में हजारों लोग आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। जिस वक्त में आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है उसी वक्त में फर्स्ट क्लास के बच्चे और सेकंड क्लास के बच्चे और थर्ड क्लास के बच्चे भी तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। नीतीश पटेल जी का मैसेज आया, NDA का फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल जी, NDA का फॉर्म कोई भी बच्चा जो 12th क्लास में पढ़ रहा है या 12th क्लास पास कर चुका है वो बच्चे NDA का फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आनंद कुमार जी का मैसेज आ चुका है, 26 अक्टूबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 26 अक्टूबर 2010 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए 2022 में सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। तो जो 3 मेन एग्जाम है वो मैंने आपको बता दिया है। आनंद कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। कश्मीर राव जी का मैसेज है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 2010 है और मेल, क्या मैं जंप करूं 17 अगस्त 2010? 17 अगस्त 2010 वाले बच्चे को जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है, 6th क्लास के लिए। कश्मीर राव जी, आपका बच्चा 6th क्लास के लिए 2022 में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है जी।
और थोड़ा सा आप भी कष्ट करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो ताकि हम आपकी प्रॉपरली मदद कर पाए, ठीक है। बिल्कुल आप 9th क्लास रिपीट करवा सकते हैं, बिल्कुल आप रिपीट करवा सकते हैं, जहां पे भी आपको डाउट आता है, जहां पे भी आपको दिक्कत आती है, रिपीट करवाने में कभी भी किसी भी बच्चे का लॉस नहीं होता है, बच्चे को कुछ सीखने को मिलता है, बच्चा आपका तैयार हो जाता है, जो गलतियां बच्चे ने शुरू में करी होती हैं उन गलतियों से आपका बच्चा निकल जाता है। तो अगर आपको कहीं पे भी रिपीट करने का मौका मिले, दोबारा से करने का मौका मिले, तो कभी भी आपको घबराना नहीं है। जे एस अकेडमी का मैसेज आया, ओके थैंक्स सर, यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन, सैल्यूट यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। नितेश पटेल जी का मैसेज है, एनडीए का फॉर्म 10th के बाद भर सकते हैं, क्या करोगे भर के, उसमें सारा सिलेबस 12th क्लास का आता है। मान लो आपको फॉर्म भरने का मौका मिल भी गया, आप फॉर्म भर भी लेते हो, तो करोगे क्या भैया, आपने 11th और 12th क्लास की तो पढ़ाई करी नहीं है, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो एनडीए का फॉर्म भरने से थोड़ी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, एनडीए की तैयारी करने से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो जितना जोर जितना मेहनत आप लोग फॉर्म भरने में लगाते हो ना, उतनी मेहनत अगर आप लोग तैयारी करने में लगाओ, ठीक है, आप रिटर्न की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो, इंटरव्यू की तैयारी करो, तब आपको फायदा होगा। मुझे समझ नहीं आता कि लोग फॉर्म भरने के पीछे क्यों पड़े होते हैं, आपको तैयारी करने के पीछे पढ़ना है, फॉर्म भरने के पीछे नहीं पढ़ना है। तो मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो फॉर्म भरने के पीछे पड़े हुए रहते हैं। आपको क्या करना है भाई, आपको फॉर्म भरने के पीछे नहीं पढ़ना है, आपको तैयारी करवाना है। 10th क्लास के बाद अगर मान लो एनडीए का फॉर्म भर भी लेता है तो करेगा क्या, उसे एक सवाल तो निकलना नहीं है बच्चे से, उसमें सारा 11th क्लास का सिलेबस आता है, 12th क्लास का सिलेबस आता है, वहां से बच्चे का कॉन्फिडेंस और नीचे जाएगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस और दबेगा। सोहन कुमार जी का मैसेज आया, सर जी मेरे बालक ने चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल की परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट कब तक आया? रिजल्ट तो आ चुका है जी, ठीक है, आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर जाओ, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, वहां जाकर के चेक करो आपके बच्चे के कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा। कश्मीर राव जी, अगर आप 7th क्लास में आ चुके हैं तो अब आप आगे की तैयारी करो 8th क्लास के लिए, ठीक है जी। अगर आप 7th क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपको कल को दिक्कत आनी ही आनी है, क्योंकि जब आप वहां पे एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहां पे आपसे 5वीं पास का TC मांगा जाएगा, ठीक है जी। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चुपचाप अब आगे 8th क्लास के लिए तैयारी करवाओ, 9th क्लास के लिए तैयारी करवाओ, आपका बच्चा 7th क्लास में आ गया है तो आगे के लिए तैयारी करो, पीछे मत जाओ आप। अगर ऐसे होएगा तो सारे ही पेरेंट्स पीछे जाएंगे, ठीक है, सारे पेरेंट्स ही अपने बच्चों को रिपीट करा लेंगे, ठीक है। बिमल जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है कशिश, तो बिमला जी बहुत बहुत शुक्रिया, 11 अक्टूबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 11 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है, 11 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है वो 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है, December 2021 वाला, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, December 2021 वाला फॉर्म को अप्लाई करना है। साक्षी जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बच्चे का नाम है निपुण पाटिल, 4 अक्टूबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 4 अक्टूबर 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है 2022 में। कश्मीर राव जी, ये आपका डिसीजन है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आपका पर्सनल कॉल है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो, जो हमारे काउंसलर हैं वो आपको गाइड करेंगे, हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती, थोड़ा सा आप लोगों को भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोगों को भी मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और जिन लोगों को बात नहीं समझ में आती है, तो जिनके बच्चे आप स्कूल में आइए ऑलरेडी स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उन बच्चों से आप मिलो, जो ऑलरेडी 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सक्सेसफुल पीपल लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं
तो आप आएंगे और आप उन सक्सेसफुल बच्चों से मिलेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से और ऑलरेडी स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे चैलेंजेस आएंगे, आपको मौका मिलेगा। सोहन कुमार जी का मैसेज है, सर जी आपसे नवोदय की क्लास ऑनलाइन लेते हैं क्या? मैं आज पहली बार ही आपको देख रहा हूँ, आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सोहन कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका बच्चा ऑनलाइन नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे पेरेंट्स को ही हम लोग ढूंढते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि देखिए हम सबको समझाते हैं, बट दिक्कत ये है कि कुछ लोगों को समझ में तो आता है लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कई पेरेंट्स हैं जो उनको समझ में आ रहा है, वो कहते हैं कि सर आप सही कह रहे हो, हॉस्टल में आना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, आप सही कह रहे हो, RIMC में 1 सीट, आप सही कह रहे हो, बट फिर भी हमारा बच्चा नहीं मान रहा है, हमारी बीवी नहीं मान रही, इसके दादा नहीं मान रहे, इसकी दादी नहीं मान रही है। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं, मेरी बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं। और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, ज़रूरी नहीं है कि आपको कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला से ही तैयारी करवानी है, आपको अम्बाला में ही आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कहीं से भी तैयारी करवाओ, लेकिन आपको तैयारी ज़रूर करवानी है। ठीक है, क्योंकि जब तक रातें नहीं जागते हैं तब तक नसीब नहीं जागता है, तो पता नहीं कितनी रातें जागेंगे तब जा करके आपके बच्चे का नसीब जागेगा। और सारा खेल है प्रैक्टिस का, प्रिपरेशन का, लर्निंग का। ठीक है जी, तो ये चीज़ें बहुत आसान है, जो बच्चे छोटी एज से तैयारी करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जो बच्चे 8th क्लास में आते हैं 9th क्लास में आते हैं, सीट्स बहुत कम होती हैं, फिर वो भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं, हमें भी प्रेशर डालना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों को 9th क्लास में एडमिशन नहीं मिल पाया, चुपचाप अपने बच्चों को आराम से 12th क्लास के लिए, NDA के लिए तैयारी करवाओ। ठीक है, और उन पेरेंट्स को मैं समझाना चाहूँगा जो सिर्फ सोचते रहते हैं पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय वापस नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो जिनके बच्चे अब धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं, जो सिर्फ सोचते रहते हैं, जो सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय वापस नहीं आ सकता। तो कहीं ये पूरा समय आपके हाथ से, आपके बच्चे के हाथ से ना निकल जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको तैयारी करवाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्कॉलरशिप का फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। 2021 में टॉप 100 बच्चों को हम फ्री बनाएंगे। आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉल करना है, पता करना है। और हो सकता है कि आपके, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 2 भाई बहन और दोनों के दोनों फ्री पढ़ रहे हैं। सोचिए आप, ऐसे भी भाई बहन हैं जिनके 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं, दोनों के दोनों ही फ्री पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो आप आइए, हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे।